नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे दाखिल खारिज के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी भी प्लाट या ज़मीन की रजिस्ट्री कराने की पूरी प्रोसेस क्या होती है, तो रजिस्ट्री के बाद का जो अगला प्रोसेस स्टेप आता है ये होता है दाखिल खारिज। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो दाखिल खारिज क्या होता है और कैसे होता है ये दाखिल खारिज। तो अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है प्लाट की रजिस्ट्री के बारे में, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं और पूरी रजिस्ट्री प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दाखिल खारिज की, क्या होता है दाखिल खारिज। तो आपने बहुतों से सुना होगा कि बहुतों का कहना होता है कि मेरी प्लाट की दाखिल खारिज अभी नहीं हुई या मेरा प्लाट अभी दाखिल खारिज में लगा हुआ है। तो क्या होता है एक्चुअल में ये दाखिल खारिज, आज हम इसी बातों को जानेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि प्लाट की रजिस्ट्री के बाद का अगला स्टेप होता है दाखिल खारिज। केवल मात्र रजिस्ट्री करा देने से हमें उस प्लाट या ज़मीन पे कानूनी तौर पे मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो पाता है। हमें कानूनी तौर पे मालिकाना हक और राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम पाने के लिए हमें दाखिल खारिज कराना होता है। तो ये दाखिल खारिज कैसे होता है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये दाखिल खारिज होता क्या है। सबसे पहले दाखिल खारिज को समझने के लिए हम परिभाषा देख लेते हैं, एक्चुअल में दाखिल खारिज का परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले दाखिल खारिज को परिभाषा के रूप में देखेंगे, तो दाखिल खारिज को भूमि का नामांतरण भी कहते हैं। और जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, दाखिल मतलब अर्थात दर्ज करना और खारिज मतलब कि खारिज निरस्त करना, दाखिल अर्थात दर्ज करना, खारिज अर्थात निरस्त करना। तो परिभाषा हम देखेंगे इसका, दाखिल खारिज अर्थात नामांतरण किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण कानूनी तौर से राजस्व रिकॉर्ड में किसी एक व्यक्ति के नाम से हटाकर दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज होने की प्रक्रिया को दाखिल खारिज अर्थात भूमि का नामांतरण कहते हैं। तो हमने दाखिल खारिज को परिभाषा के माध्यम से समझा है और उम्मीद है कि परिभाषा के माध्यम से दाखिल खारिज काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, जब हमारी रजिस्ट्री प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तो रजिस्ट्री प्रक्रिया संपन्न होने के बाद हम एक दाखिल खारिज के लिए आवेदन पत्र देते हैं। जिस आवेदन पत्र में जिस प्लाट या ज़मीन की रजिस्ट्री हमने कराई है उसका रकबा नंबर, उसका खसरा नंबर, गाटा संख्या, उसका रकबा, इन सारी चीज़ों को मेंशन करते हुए और जो भी हमने पेमेंट शेड्यूल करा है सारी चीज़ों को उसमें मेंशन करते हुए रजिस्ट्री पेपर की कॉपी लगा के हम दाखिल खारिज के लिए आवेदन देते हैं तहसील में। तो आवेदन देने के बाद वहाँ का कर्मचारी एक नोटिस जारी करता है, जिस नोटिस में लिखा होता है कि क्या उस ज़मीन पर किसी प्रकार की किसी को आपत्ति न हो, सारी लेन देन सुचारू रूप से व्यवस्थित हो। और नोटिस निकलने के बाद किसी भी तरह की आपत्ति न होने के बाद पूर्ण रूप से आपका जो टाइम पीरियड होता है 45 to 60 days, इन बीच में इस टाइम अंतराल में आपका पूर्ण रूप से दाखिल खारिज हो जाता है और उस प्लाट उस ज़मीन की आप कानूनी तौर पे राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भी आप मालिकाना हक प्राप्त कर लेते हैं। तो ये होता है दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया, जो रजिस्ट्री के बाद का प्रोसेस होता है। और दाखिल खारिज होने के बाद हम उस प्लाट या ज़मीन का पूर्ण रूप से राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हम मालिकाना हक प्राप्त कर चुके हैं। अब उस या प्लाट ज़मीन के पूर्ण रूप से मालिक है, अब उस ज़मीन को चाहे खरीदे बेचे या आप जो भी करना चाहें, उस ज़मीन के पूर्ण रूप से आप मालिक हो चुके हैं। इस वीडियो के अंत में साथ ही आपका ज़्यादा समय न लेते हुए उदाहरण के माध्यम से दाखिल खारिज की प्रक्रिया को समझाने का आपको प्रयास करूँगा। तो छोटा सा उदाहरण है ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए आपको कि दाखिल खारिज एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक प्लाट है, ये एक प्लाट है और इस प्लाट का खाता संख्या है 96 यानी 96। ये एक प्लाट है जिसका खाता संख्या है 96 और इसके जो मालिक हैं ये कौन है, सुनील। सुनील जो है मालिक है, यानी इस खाता संख्या 96 का जो पुश्तैनी मालिक है सुनील है, इनका ये प्लाट है। और एक है, ये है सुरेश जिनको इस प्लाट को ख़रीदना है सुनील से। तो ये क्रेता है और उस कंडीशन में ये हो जाएंगे विक्रेता, जो कि अब पुराने मालिक हैं सुनील इस घाटा संख्या 96 के। तो सुरेश ने क्या करा, इनसे 96 घाटा संख्या 96 की ज़मीन जो है ये खरीद ली और इसकी रजिस्ट्री करा ली। तो इन्होंने इनसे रजिस्ट्री करा ली। अब दाखिल खारिज में क्या होता है, जो दाखिल खारिज में होता है, अभी इन्होंने केवल रजिस्ट्री कराई है,
अभी जो खसरा या खतौनी होता है, आपने नाम सुना होगा खसरा या खतौनी, जो भूलेख से निकलता है, तो रजिस्ट्री कराने के बाद उस खसरा या खतौनी पे अभी नाम सुरेश का नहीं हुआ होगा, अभी खसरे या खतौनी में नाम सुनील का ही है, यानी विक्रेता का ही है। तो जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है, दाखिल खारिज की प्रक्रिया होने के बाद उस खसरा या खतौनी में राजस्व रिकॉर्ड में सुनील का नाम हटकर सुरेश का हो जाएगा। अर्थात दाखिल खारिज की प्रक्रिया में जब दाखिल खारिज प्रक्रिया हो जाएगा तो सुनील का नाम इस 96 घटा संख्या से सुनील का नाम कट कर और सुरेश का नाम हो जाएगा। यानी जिसको हम बोलते हैं राजस्व रिकॉर्ड में, जिसको हम खसरा खतौनी पर भी देख सकते हैं, दाखिल खारिज के बाद सुनील का नाम हट के सुरेश का हो जाएगा। अब ये पूर्ण रूप से खाता संख्या 96 के पूर्ण रूप से मालिक हो गए सुरेश। अब सुनील का कोई लेना देना नहीं है, जबकि केवल रजिस्ट्री होने पे खसरा या खतौनी में अभी भी सुरेश का नाम दर्ज नहीं हुआ रहता है। तो ये है दाखिल खारिज। तो ये हमने समझा उदाहरण के माध्यम से दाखिल खारिज की प्रक्रिया। तो उम्मीद है कि उदाहरण के माध्यम से आपको दाखिल खारिज की प्रक्रिया समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।